आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्पर मूवी के बारे में, जो साल 2022 में रिलीज हुई है। इस मूवी में बताया गया है कि लोग इकोलॉजिकल क्राइसिस को रोकने के लिए जेनेटिक टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, पर ये फेल हो जाता है और इस वजह से अर्थ के सारे एनिमल्स, प्लांट्स और इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और जो प्लांट्स बच गए थे वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इतने एडवांस्ड हो गए थे कि वो अब इंसानों का शिकार किया करते थे। सिर्फ सिटाडल सिटी में ही अमीर लोग अच्छी जिंदगी जी थे, क्योंकि उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजीज थी और बाकी लोग सर्वाइवल थे जो जंगल में रहते थे। सिटाडल्स के लोग एक सीड की हेल्प से हार्वेस्टिंग किया करते थे, पर वो लोग सीड सर्वाइवल्स को तभी देते थे जब सर्वाइवल्स बदले में उन्हें अपना खून डोनेट करते थे। ये सीड सिर्फ वन टाइम यूज किया जा सकता था, ताकि सर्वाइवल्स हमेशा सिटाडल्स के लोगों के सामने झुक कर रहे। और तो और, सीड्स को फर्टिलाइज बनाने का कोड वो भी सिर्फ सिटाडल्स के एक्सपर्ट के पास ही था। मूवी की मेन लीड वेस्पर भी एक सर्वाइवल थी, जो कि एक 13 साल की लड़की थी। वो अपने पिता डारियस, जो कि एक पैरालाइज थे, उनका ख्याल रखती थी। उसके डैड उससे एक ड्रोन की हेल्प से बात करते थे, जो कि हमेशा उड़ता हुआ वेस्पर के साथ ही रहता था। आगे हम देखते हैं कि वेस्पर और उनका ड्रोन जंगल में खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जहां उन्हें एक छोटा सा प्लांट मिलता है। वेस्पर घर आके उसका सूप बनाती है और अपने डैड के फूड पाइप में डाल देती है। उसने अपने डैड को एक मशीन की हेल्प से जिंदा रखा हुआ था। वेस्पर एक पुरानी लैब में जाया करती थी। इस सीओ से बायोलॉजी और म्यूटेशन की थोड़ी समझ थी, इसलिए वो छोटे जीव जंतुओं और प्लांट्स पर रिसर्च करके अलग अलग प्लांट्स बनाया करती थी। एक दिन जब वो लैब से घर आ रही होती है, वहाँ उसे पिलग्रिम्स ग्रुप की मेंबर दिखाई देती है। उसकी मॉम भी 1 साल पहले पिलग्रिम्स ग्रुप के साथ चली गई थी। ये ग्रुप किसी से बात नहीं करता था और वो लोग हमेशा अपना फेस कवर करके रहते थे। जब वेस्पर वापस घर आती है, तब उसे पता चलता है कि घर पर कोई आया था और उसने पावर जनरेटर को खराब कर दिया, जिसकी वजह से उसके डैड की मशीन भी बंद होने वाली थी। और अगर मशीन बंद होती तो उसके डैड की डेथ हो जाती। इसलिए वेस्पर हेल्प मांगने के लिए अपने अंकल जोनस के पास जाती है, जो कि डारियस के बड़े भाई थे। उनका काम था लोगों से ब्लड डोनेट करवाना और सिटाडल को बेच देना। वेस्पर जब जोनस के घर पहुंचती है, तब वो देखती है कि गांव वालों ने एक जग को पकड़ा हुआ था। ये जग आर्टिफिशियल ह्यूमंस थे, जो सिटाडल के एक्सपर्ट्स ने बनाए थे, ताकि वो इनसे अपना काम करवा सके। इसलिए जोनस उस जग को मार देता है। वेस्पर जोनस से कुछ बैक्टीरिया मांगती है, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। जोनस कहता है कि इसके बदले तुम्हें अपना ब्लड डोनेट करना होगा। वेस्पर मान जाती है और अंदर चली जाती है। वहाँ जोनस का असिस्टेंट वेस्पर का ब्लड सैंपल लेता है। जोनस वेस्पर से कहता है कि तुम यहाँ मेरे साथ रहा करो, पर वेस्पर मना कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे ब्रीडर बनाना चाहते हो, पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ब्लड डोनेट होने के बाद वेस्पर जोनस से बैक्टीरिया मांगती है, पर वो कहता है कि 2 दिन बाद आकर ले जाना, मुझे पहले तुम्हारे ब्लड को सिटाडल को सील करने दो। वेस्पर कहती है कि मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब है और मुझे बैक्टीरिया अभी चाहिए, पर जोनस मना कर देता है। वेस्पर उसके ब्लड का बैग उठाकर भागने की कोशिश करती है, पर जोनस उसे पकड़ लेता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। पर वेस्पर वहां से नहीं जाती और पीछे के रास्ते से लैब के अंदर जाती है, जहां उसे जोनस का असिस्टेंट देख लेता है, पर वो वेस्पर को इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। वेस्पर अंदर जाकर बैक्टीरिया ले लेती है और उसे वहां पर सिटाडल की सीड्स भी मिलती हैं। वो कुछ सीड्स उठा लेती है और वहां से घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे सिटाडल का ग्लाइडर दिखाई देता है, जो जमीन के पास आ रहा था। वेस्पर भागकर घर पहुंचती है और जनरेटर ठीक करती है और अपने डैड को सिटाडल की सीड्स दिखाती है। डैड पूछते हैं कि तुम इन्हें कहां से लाई हो। वो उन्हें सच बता देती है। उसके डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि इन्हें वापस रख कर आओ, पर वेस्पर मना कर देती है, क्योंकि वो सीड्स पर रिसर्च करना चाहती थी और इनका कोड ब्रेक करके सीड को फर्टिलाइज बनाना चाहती थी। पर उसके डैड कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती हो। वेस्पर गुस्से में घर के बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो जंगल में पहुंच जाती है। उसे वहां एक लड़की दिखाई देती है, जिसके पैर में चोट लगी हुई थी और कुछ प्लांट्स उसे नोच रहे थे। वेस्पर उसे बचाती है और अपने घर लेकर आती है और उसकी चोट का इलाज करती है। डारियस वेस्पर से उस लड़की के बारे में पूछता है। वेस्पर बताती है कि ग्लाइडर क्रैश होने की वजह से वो शायद नीचे गिर गई और उसे बहुत चोट लगी है। वेस्पर के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वो लड़की उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो अपने बेड से उठने लगती है, पर नीचे गिर जाती है। वेस्पर आवाज सुनकर उसके पास आती है। वो लड़की बताती है कि उसका नाम क्या मिला है और वो सिटाडल से है। वो वेस्पर से पूछती है कि मेरे साथ मेरे डैड भी थे, वो कहाँ है। वेस्पर कहती है कि जंगल में मुझे सिर्फ तुम अकेली मिली हो। कैमिला उससे कहती है कि क्या तुम मेरे डैड को ढूंढने में मेरी हेल्प करोगी। वेस्पर कहती है कि अभी रात हो चुकी है, हम सुबह उन्हें ढूंढने जाएंगे। वेस्पर उससे कुछ खाने के लिए देती है। बाद में कैमिला वेस्पर से उसके डैड के बारे में पूछती है। वेस्पर बताती है कि मेरे डैड सिटाडल की आर्मी में थे
और वहीं उनकी ये हालत हुई है। सिटर ने एक ड्रोन देकर उन्हें वहां से निकाल दिया। कैमला कहती है कि अगर तुम मेरे डैड को ढूंढ लोगी तो मैं उन्हें बोलकर तुम दोनों को वापस सिटरल ले जाऊंगी। मेरे डैड सिटरल के बहुत बड़े आदमी हैं। ये सुनकर वेस्पर खुश हो जाती है, पर अचानक उसके डैड की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। वेस्पर उन्हें स्टेबल करने की कोशिश करती है, पर उनकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी। लेकिन तभी कैमला वेस्पर के डैड को किस करती है, जिससे वो स्टेबल हो जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन वेस्पर कैमला के डैड को ढूंढने जाती है। उसे जंगल में एक ग्लाइडर दिखाई देता है जिसमें कैमिलिया के डैड एलियस होते हैं। पर तभी वहाँ जोनस अपने साथियों के साथ आ जाता है और एलियस को उसके बारे में पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये सिटाडेल से आया है। जोनस उसे वहीं मार देता है। उसे ग्लाइडर में एक लेडी स्कार्फ मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एलियस के साथ और कोई भी आया है। वो वेस्पर से पूछता है कि क्या तुम इसके साथी के बारे में जानती हो। वो मना कर देती है। जोनस के लोग एलियस को पानी में फेंक देते हैं। वेस्पर ड्रोन से बात करने लगती है। ड्रोन उसे कैमिलिया को ये सब बताने से मना करता है। अब वेस्पर घर आती है, जहाँ कैमिलिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे डैड मिले, पर वेस्पर उसे मना कर देती है और कहती है कि जंगल बहुत बड़ा है, इसलिए उन्हें ढूंढने में टाइम लग सकता है। वेस्पर के डैड उससे कहते हैं कि हमें सिटाडेल को इस क्रैश के बारे में बता देना चाहिए, ताकि वो कैमिलिया को यहाँ से ले जाए। वेस्पर भी इस बात के लिए हाँ कर देती है। फिर वेस्पर कैमिलिया के जख्म देखती है, जो अब ठीक हो चुके थे। वो कैमिलिया को अपनी सीक्रेट लैब में लेकर जाती है, जहाँ वेस्पर प्लांट्स पर रिसर्च कर रही थी। वह अलग अलग प्लांट्स थे जो वेस्पर ने ही इन्वेंट किए थे और जो इंसानों के लिए काफी हेल्पफुल थे। इसके बाद वो दोनों लैब से घर जाती है। कैमिलिया वेस्पर से उसकी मॉम के बारे में पूछती है। तब वेस्पर बताती है कि उसकी मॉम उसे रोज गाना सुनाया करती थी, पर एक दिन अचानक उनकी वॉइस चली गई, जिसके कारण वो बहुत डिप्रेस हो गई और थोड़े दिनों बाद वो एक पिलग्रिम ग्रुप के साथ चली गई। मॉम को लगता था कि उनमें कोई वायरस है, जिसकी वजह से उनकी वॉइस चली गई है, और उन्हें डर था कि कहीं ये वायरस मुझे ना हो जाए, इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई। वेस्पर इमोशनल हो जाती है। कैमिलिया उसके साथ बैठकर उसे हिम्मत देती है और बताती है कि उसने तो अपनी मॉम को देखा भी नहीं है। फिर वेस्पर एक एनिमल बुक लाती है और कैमिलिया से पूछती है कि क्या तुमने ये सब एनिमल्स देखे हैं, क्योंकि वेस्पर के टाइम पर एनिमल्स गायब हो गए थे। कैमिलिया उसे बताती है कि उसने इन एनिमल्स को देखा है और वो वेस्पर को उन सब एनिमल्स के बारे में बताने लगती है। वेस्पर उससे पूछती है कि सिटाडेल के लोग सर्वाइवल्स को अपनी सिटी में क्यों नहीं रखते, सर्वाइवल्स तो उनका काम भी करते हैं। कैमिलिया कहती है कि सिटाडेल के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो सभी सर्वाइवल्स को रख सके, इसलिए वो ऐसे जग्स को डिजाइन करते हैं जो इजीली कंट्रोल हो सके और हमेशा लॉयल रहे। नेक्स्ट डे वेस्पर जोनस के लैब में जाती है, जहां वो ट्रांसमीटर से सिटाडेल को कैमिलिया के बारे में मैसेज करने वाली थी, पर उसके लैब में जाते ही जोनस उसे मिल जाता है और वो वेस्पर के ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं बस इसे ठीक कर रहा हूं। वो वेस्पर को बताता है कि मेरी लैब से किसी ने सिटाडेल सीड्स को चुरा लिया है और बताता है कि एलियस के साथी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वेस्पर वहां से अपना ड्रोन लेकर भाग जाती है। बाहर आकर जब वो अपना ड्रोन उड़ाने लगती है तो वो गलत डायरेक्शंस में उड़ता है और नीचे गिर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि जोनस ने उसे खराब कर दिया है। वो जैसे ही अपना ड्रोन नीचे से उठाने लगती है, वहां एक डेड बॉडी दिखाई देती है। तभी जोनस के कुछ आदमी वेस्पर के पीछे पड़ जाते हैं। वेस्पर वहां से भाग जाती है, पर जोनस के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पर एक स्टैंप लगा देते हैं, जिसका ये मतलब था कि वो अब जोनस की प्रॉपर्टी है। ये देखकर वेस्पर रोते हुए घर जाती है और अपना ड्रोन ठीक करने लगती है। कैमिलिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। वेस्पर उसे गले से लगा लेती है। कैमिलिया उसे शांत करती है और बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा, अब मेरी हेल्थ ठीक है, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे डैड को ढूंढने चलोगी। वेस्पर उसे बताती है कि वो मर चुके हैं। ये सुनकर कैमिलिया शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वेस्पर उसे वहां ले जाती है, जहां उसकी डैड की बॉडी फेंकी गई थी। कैमिलिया अपने डैड को ऐसे देखकर रोने लगती है और बॉडी के पास चली जाती है, लेकिन तभी वेस्पर उसे पीछे खींच लेती है। वेस्पर उसकी बैक पर एक निशान देखती है, जो कि एक जग की बॉडी पर होता है। फिर कैमिलिया उसे बताती है कि वो एक एडवांस जग है, जिसमें ह्यूमंस जैसी फीलिंग्स है, और एलियस ने ही उसे बनाया था, पर सिटाडेल में ऐसा एडवांस जग बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए सिटाडेल में कैमिलिया और एलियस को मारने के ऑर्डर्स दिए गए थे, जिससे बचने के लिए वो दोनों भाग रहे थे। और वो बताती है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि मैं तुम्हें सिटाडेल लेकर जाऊंगी। ये सुनकर वेस्पर को गुस्सा आता है और वो उसे पुश करती है और घर वापस चली जाती है, जहां वो ड्रोन को ठीक कर सारी बातें अपने डैड को बताती और कहती है कि मैं कैमिलिया को जोनस के पास ले जाऊंगी। पर उसके डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं और बोलते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसके अलावा उसके पास और कोई चॉइस भी तो नहीं थी। दूसरी तरफ कैमिलिया
अमेलिया सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर वेस्पर दोबारा आकर उसे रोक लेती है और उससे सॉरी कहती है। वेस्पर उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारा सैंपल चाहिए जिससे मैं तुम्हारे सेल्स को चेक कर सकूं। जब वो उसके सेल्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके सेल्स तो लॉक है। वेस्पर कैमेलिया से पूछती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। कैमेलिया बोलती है कि एलियस ने कभी भी इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वेस्पर सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। तभी कैमेलिया उसे बताती है कि मेरे डैड कॉन्सेंट्रेट करने के लिए म्यूजिक सुना करते थे, इसलिए वो वेस्पर को भी कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाती है। म्यूजिक बजाते ही वो सेल डीकोड होने लगती है और वेस्पर को सिटाडेल के कोड के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो अब सीट को भी डीकोड करके उनको फर्टिलाइज कर सकती थी। नेक्स्ट डे वेस्पर घर से बाहर गई होती है और कैमेलिया घर पर ही होती है। तभी वहाँ जॉनस आता है और वो कैमेलिया से कहता है कि मैं डोरिस का भाई हूँ और कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर तुम ज्यादा सेफ रहोगी। जॉनस को कैमेलिया की बॉडी का निशान दिख जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो एक जग है। जॉनस उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वेस्पर आ जाती है और उन दोनों में लड़ाई होती है। वेस्पर उसके सिर पर स्टूल मार देती है और तभी कैमेलिया उसके हाथ पर नाइफ घुसा देती है। उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। वेस्पर जॉनस से डील करती है कि अगर वो सिटल के सोल्जर्स को हमारे बारे में ना बताए तो वो उसे सीट्स को डीकोड करने का तरीका बताएगी। जॉनस उस समय ये बात मान जाता है, पर घर जाते ही वो सिटल के सोल्जर्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। आगे हम देखते हैं कि वेस्पर सीट्स को डीकोड कर रही होती है और कैमेलिया भी उसके साथ थी कि तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। वेस्पर देखती है कि एक अजीब सा ऑर्गेनिज्म उसके घर के अंदर आ रहा है। वो दोनों किसी तरह से उससे बच रही थी कि तभी वो ऑर्गेनिज्म गैस में बदल जाता है। डोरस उनसे कहता है कि थोड़ी देर तक सांस मत लेना क्योंकि ये जहरीली गैस है। बाद में वो गैस खत्म हो जाती है। तब डोरस उससे कहता है कि यहाँ सिटाडेल के सोल्जर्स आने वाले हैं और तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। कैमेलिया कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इसलिए मैं सिटाडेल के सामने सरेंडर करने जा रही हूँ। पर डोरस कहता है कि अब सिर्फ वो तुम्हें ही नहीं साथ में वेस्पर को भी मार देंगे क्योंकि उसने तुम्हारी हेल्प की है। डोरस उन्हें सब कुछ समझा कर वहाँ से चले जाने को कहता है और बोलता है कि मैं सिटाडेल के सोल्जर्स को संभाल लूंगा। वो अपने ड्रोन के साथ घर पर ही रहता है। सिटाडेल के सोल्जर्स डोरस के फार्म आ जाते हैं जहाँ वो ऑलमोस्ट सबको मार देते हैं। वहाँ से सोल्जर्स डोरस के घर आते हैं। डोरस अपना ड्रोन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के पास ले जाता है। जैसे ही सोल्जर ड्रोन पर फायर करते हैं, गोली जनरेटर पर लगती है और घर में एक ब्लास्ट होता है। देखकर वेस्पर वापस आ जाती है, पर कैमेलिया उसे रोक लेती है। फिर जो सोल्जर्स बच गए थे वो उनके पीछे आते हैं। वो दोनों उस तरफ जाती हैं जहाँ डेंजरस प्लांट्स थे। वो प्लांट्स सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं, पर फिर भी सोल्जर्स आते ही रहते हैं। तब कैमेलिया खुद को सरेंडर करने की बोलती है, पर वेस्पर उसे ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ ही रहो, हमें यहाँ कुछ नहीं होगा। कैमेलिया उसे किस करती है जिसकी वजह से वेस्पर सो जाती है और कैमेलिया सोल्जर्स के साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे जब वेस्पर उठती है तब उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो घर जाती है तो वहाँ भी सब कुछ जल चुका था। वो थोड़ी सीड्स अपने घर के पास जमीन में लगा देती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो जॉनस के फार्म से बच कर आए थे। वो सब साथ चल पड़ते हैं और रात को एक जगह पर आग जलाकर वहीं स्टे करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें एक पिलग्रिम्स का ग्रुप मिलता है। वो सब भी उनके साथ चल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें बहुत बड़ा टावर दिखाई देता है जो पिलग्रिम्स ने अलग अलग मेटल से बनाया था। वेस्पर उस टावर पर चढ़ जाती है और टॉप पर जाकर वो सारे सीड्स को फेंक देती है जो अलग अलग जगह जाकर फैल जाते हैं। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। आई होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।